तो भाई मधुसूदन कंपनी के दूध में बदलाव किया गया है। मधुसूदन कंपनी का जो दूध का जो होलसेल पैक आता था उसमें बदलाव किया गया है और होलसेल प्राइस को भी बढ़ा दिया गया है। रिटेल दुकानदार को मिलने वाले प्रॉफिट को भी काफी ज्यादा कम कर दिया गया है। सभी चीजों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो ये मधुसूदन डबल टोन मिल्क का एक नया पैकिंग, जो कि भाई पहले ये लंबी सी पैकिंग में आता था और भाई उस लंबी सी पैकिंग में पूरे पूरे 60 पैकेट दूध आते थे। लेकिन अभी जो ये नया गत्ता आया हुआ है मार्केट में, ठीक है, जिसमें कि आपको पूरे 60 पैकेट, मतलब 60 नहीं, इसमें कह सकते हैं कि 30 पैकेट दूध देखने को मिलते हैं। ये भाई उस तरफ लिखा हुआ है, अभी मैं इसको पलट के दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो पुरानी वाली पैकेट आती थी उसके अंदर 60 पैकेट निकलते थे और वो भाई हल्का चौड़ा पैकेट भी होता था, लेकिन ये जो गत्ता है ये काफ़ी छोटा सा गत्ता है, ठीक है। इसके अंदर मिलते हैं आपको 30 पैकेट, यानी कि 30 पैकेट दूध इसके अंदर आपको मिलेंगे। और इसी के साथ साथ जब भाई गत्ते का साइज भी छोटा हो गया है तो इसका रकम भी भाई छोटा कर दिया गया है, क्योंकि भाई जो बड़ा वाला गत्ता आता था वो 540 रुपये का बिकता था और भाई मुझे वो 530 रुपये में मिलता था और मैं उसे 540 रुपये में बेचता था। लेकिन भैया अब ये जो गत्ता जो है ये गत्ता छोटा कर दिया गया है, इसमें फीस भी कम कर दिए गए हैं, तो इस वजह से भाई इसकी कीमत भी कम हो चुकी है। भाई ये पूरा एक गत्ता 270 रुपये का है जिसके अंदर 30 पैकेट होते हैं, एक पैकेट की MRP है 10 रुपये। अब भाई अगर आप इस पूरे गत्ते को बेच करके खत्म कर देते हो तो आपको पूरे 300 रुपये इसमें से मिलेंगे, जिसमें से आपको पूरे 30 रुपए का नेट प्रॉफिट होगा। भाई इसमें बदलाव के नाम पे सिर्फ इसके साइज को छोटा कर दिया गया है और इसके अंदर में दूध का वजन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ इसके साइज में बदलाव किया गया है। तो आपके एरिया में ये छोटे साइज वाला गत्ता मधुसूदन कंपनी का दूध आने लगा है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।